You know, there is a saying that one man's french fries is another man's treasure, man or woman. तो सोचिए. और वैसे भी आलू तो सदा बाहर है, हमेशा के लिए. जब मैट डेमन का जो कैरेक्टर था मार्शियन में, मार्क वॉटनी, जब वो भी मार्स पर फंस जाता है तो उसने क्या उगाया था? आलू, जिंदा बचे रहने के लिए. यही हाल है रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया में रह रहे लोगों का. एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी डाइट में से आलू को निकाल देते हैं, और दूसरी तरफ ये लोग हैं आलू जिनके लिए मतलब जीने का सहारा है, लिटरली लाइवलीहुड के लिए बहुत ज़रूरी है उनको. एक ट्रेडर है जो रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया के अंदर के इलाकों में जाकर उनको सामान बेचता है. उसके पास अपनी एक वैन है जिसमें उसने सामान भरा हुआ है, जिसमें कपड़ों से लेकर जूते, बच्चों की चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं, और वो वहाँ जाकर बेचता है. बट जानते हैं एक्सचेंज किस चीज़ में करता है वो? करेंसी नहीं, आलू, पोटैटोस. वो भी किलो के भाव में उनसे लेता है और वो चीज़ें उनको बेच देता है. क्यों? क्योंकि रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया में इतनी पॉवर्टी है कि वहाँ यूरो, डॉलर्स या वहाँ की जो अपनी जो करेंसी है कोई वैल्यू नहीं है उसकी. एंड जितना ट्रेड हो रहा है वो आलू में मतलब ये लेता है उनसे. ये गरीब लोग आलू ही उगाते हैं, वही खाते हैं, और उसके बदले ही ये लोग मतलब ट्रेड कर रहे हैं, और ये डिपेंडेंट है पूरे तरीके से उसी पर. और वो आदमी इनको सामान के बदले आलू ले रहा है क्योंकि ये ही जो इकलौती करेंसी है, सस्टेनिंग करेंसी है वहाँ की, रूरल ऑफ जॉर्जिया की. बहुत खूबसूरती से, सॉरी खूबसूरत तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन पॉवर्टी को तो कितने जर्नलिस्ट या फिर जो दूसरे जो लोग हैं, आम जो लोग भी हैं, उसको यूज़ करते ही हैं ना. देर इज़ अ टर्म कॉल्ड पॉवर्टी पॉन, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट. उसकी डेफिनेशन पता है क्या है? मैं रीड करता हूँ. एनी टाइप ऑफ मीडिया, बीट रिटन, फोटोग्राफ्ड और फिल्म्ड, विच एक्सप्लॉइट्स द पुअर्स कंडीशन इन ऑर्डर टू जनरेट द नेसेसरी सिंपथी फॉर सेलिंग न्यूज़पेपर, इंक्रीजिंग चैरिटेबल डोनेशंस और सपोर्ट फॉर अ गिवन रीजन. इट्स कॉल्ड पॉवर्टी पॉर्न. बाकी आप खुद सोच लीजिए. द ट्रेडर ना एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है और अंदर तक ना मतलब हिला कर रख देती है. फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे सीक्वेंस हैं, शॉर्ट फिल्म ही है. एक मेरा बहुत पसंदीदा सीन है जहाँ पर ये ट्रेडर जो है गांव के घर में जाता है, और अंदर घर में जाकर जब वो चीज़ें बेच रहा है, एक औरत है जो सामान देख रही है कि क्या लेना है, और आलू वो लेकर आ रही है कि जिनके बदले सामान देना है. वहाँ पर उसका एक छोटा बच्चा है जो खड़ा हुआ है और वो कैमरा में ही देख रहा है, और ये आदमी जो ट्रेडर जो है उससे पूछता है कि भाई बड़े होकर क्या बनना चाहते हो तुम? वो बच्चा कोई जवाब नहीं दे पाता. तभी उसकी माँ पीछे से बोल पड़ती है कि बेटा बताओ कि तुम्हें तो बड़े होकर जर्नलिस्ट बनना है ना. सिर्फ ये लाइन ना आपको अंदर तक झकझोर देने के लिए काफी है. इस फिल्म को सनडांस में बेस्ट फिल्म के लिए अवार्ड भी मिला था जूरी की तरफ से. अच्छी फिल्म मिस मत कीजिए. अगर नहीं देखी है तो जरूर देखिए. अभी नेटफ्लिक्स पर है, और अगर देख लिए तो आइए डिस्कस करते हैं. अगेन वही बात कहूँगा जो पिछले सब वीडियोस में कहता हूँ, आई एम नॉट अ फिल्म रिव्यूअर, आई एम जस्ट अ फिल्म बफ हु इज स्टिल लर्निंग, हु इज जस्ट वॉचिंग फिल्म्स, हु लाइक्स टू वॉच फिल्म. एंड आई जस्ट वांट कि बाकी सब लोग भी मतलब देखिए. ओके देन लेट्स डिस्कस फिल्म्स.